केथुन, ज़िला कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं कोटा डोरिया की कारीगर हूँ। इस क्राफ्ट में मैं दुपट्टे, साड़ीज़, सूट, प्लेन फैब्रिक आदि बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें कच्चे मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि कोई मटूर से कॉटन आता है। इसका सिल्क बेंगलोर से आता है और सूरत, जो कि वडोदरा में पड़ता है, वहाँ से जरी आती है। रियल जरी का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिल्क के धागे के ऊपर पॉलिश किया जाता है, जिसमें सिल्वर जरी और गोल्ड जरी दो तरह का जरी आता है। उससे हम वीविंग करते हैं, स्ट्राइप बनाते हैं हम अपनी साड़ीज़ में, पल्लू में, बूटीज़ में, सभी जगह उसे इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर में आदि के लिए। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कच्चा मटेरियल जो आता है, पहले उसकी बॉबिन्स भरनी पड़ती है। फिर बॉबिन्स भरने के बाद उसको हमें वार्प तैयार करना पड़ता है, जो कि रॉ मटेरियल पूरा वाइट आता है नेचुरल। उसको वार्प तैयार करने के बाद हम लोग डाइंग के लिए देते हैं, जो हमारे लोकली वहाँ के केथुन के वीवर्स के बच्चे चार पांच जगह डाई करते हैं, चार पांच फैमिलीज़ में, तो वहाँ पर हम इसको डाई करवाते हैं। डाई करवाने के बाद इसकी साइजिंग करवानी पड़ती है। केथुन के बुनकर हैं हमारे, वहाँ पे महिलाएं थोड़ी एज ओल्ड हो जाती है, तो उस में इस काम को किया जाता है, तो उसमें महिलाएं और पुरुष मिल करके साइजिंग का काम करते हैं। जब साइजिंग तैयार हो जाती है तो फिर उसको लूम पर जुड़ाई किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कई हाथों से होते हुए गुजरता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये केवल एक ही उम्र के लोगों को काम नहीं देता है। ये इसमें यंग, थोड़े ओल्ड एज और फिर और ओल्ड जब हो जाते हैं, तो सभी तरह के लोगों को ये रोज़ी देता है। जैसे बॉबिन्स का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, थोड़े 50-60 साल की उम्र के लोग करते हैं। साइजिंग का काम करने वाले लोग भी 50 से 60-40 इंच के बीच में होते हैं, और जो वीविंग का काम करते हैं वो 18 से लेकर के 50 साल तक की उम्र के लोग इस काम को करते हैं। तो हर तरीके के लोगों को ये रोज़ी देता है, जिसमें महिलाएं ही ज़्यादातर, हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती है वो 95% इस काम से जुड़ी हुई हैं। पुरुष लोग बाहर का भी काम करते हैं, जैसे कि सिलाई, ये मशीनरी का, ये जैसे एक काम आता है कारपेंटरी आदि, चुनाई, दूसरे कामों में भी है, पर महिलाएं ज़्यादातर वीविंग का काम करती है। तो हर घर में लूम मिलेगा आपको, हर घर में वीविंग का काम होता है। सारी महिलाएं केथुन की जो लड़कियां होती है, वो पढ़ाई के साथ साथ अपने इस काम को भी करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे क्राफ्ट से जुड़ी हुई हूँ, जो कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कोटा डोरिया का नाम प्रसिद्ध है, और हमारे वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस पर नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। और मुझे अपनी इस कला से बहुत प्यार है, और मैं आगे भी भविष्य में अपने जैसे बच्चों को या और दूसरे जो लोग हैं इस प्रोसेस में, काफ़ी 4-5 साल से एक सोशल वर्कर की तरह भी मैं रूप में काम कर रही हूँ, बहुत सारी मतलब लड़कियों को सिखाना, प्रोत्साहन देना, और अपनी इस कला को बचा करके आगे अपने क्राफ्ट को बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। और ये एक ऐसी कला है कि इसमें बिना लाइट के, जैसे कि लाइट सीमित है, पर ये एक ऐसा काम है कि हम इसको बिना लाइट के भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी हम इस काम को कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर निफ्टी की तरफ से हमें इनवाइट किया गया अपने सारे अपने कला को बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो मुझे यहाँ पर उनको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा काम इस तरीके से होता है, और रियल कोटा डोरिया क्या है। इस पर हमें GI मिला हुआ है, जो कि ये बताता है कि ये राजस्थान, ये कोटा के जो आसपास के 11-12 गांव हैं, तो वहीं पर ये बनाया जाता है। तो GI से हम GI की वजह से हम जो भी मतलब कोटा डोरिया खरीदे तो GI देखकर ही खरीदे, क्योंकि GI ये सर्टिफाई करता है कि ये रियल कोटा डोरिया है। निफ्ट से मैं करीब 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पर दूसरी बार मैं अभी इस क्राफ्ट मेले में मैंने भाग लिया है। इससे पहले भी मैं क्राफ्ट बेंगलोर में भी गई हुई हूँ, क्राफ्ट दिल्ली में भी गई हुई हूँ, और यहाँ पर भी। तो यहाँ से निफ्ट के जो डॉक्टर आकांक्षा पारिक जो मैडम है यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट पर, तो वो मेरे पास करीब 2007 में आई थी, तो उन्होंने वहाँ पर मेरे पास आकर के अपने प्रोडक्ट बनाए थे। वो भी एक स्टूडेंट थी, तो स्टूडेंट के रूप में वो मेरे पास आई थी, उन्होंने मेरे पास आकर के
अपने डिज़ाइन की कोटा डोरिया पर काम किया और अपने कॉलेज में उन्होंने बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा और उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। तो उन्हीं के माध्यम से वो यहाँ पर प्रोफेसर बन के आई, तो उन्हीं के माध्यम से मेरा यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो यहाँ के बच्चे भी जाते हैं मेरे पास वहाँ पे कैथून में कोटा डोरिया के बारे में जानकारी लेने, और बच्चों को क्लास भी दी है मैंने अभी इसमें कोरोना में। यहाँ के जो स्टूडेंट बच्चे हैं तो कोटा डोरिया के बारे में उनकी सारा बताया कैसे ये सारा प्रोसेस बनता है और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, कैसे मतलब बाहर बेचते हैं, इसकी सारी जो भी चीज़ें हैं तो सब वो मैंने बच्चों को बताया। और यहाँ पर सर ईश्वर जी, सर ये हरीश जी, सर आदित्य मैम सभी कोऑर्डिनेट करते हैं और सबका मतलब बहुत अच्छा ही है इस क्राफ्ट को आगे प्रोत्साहित करने के लिए। सबने एक बहुत अच्छा माध्यम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मिलाया हमें निफ्टी के माध्यम से, और हमारा कैटलॉग भी बनाया है यहाँ से निफ्टी की तरफ से हमारे प्रोडक्ट्स का। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच निफ्टी।